अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ कस्टर्ड फिल्ड फ्रेंच टोस्ट। जी हाँ, नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट तो आप लोगों ने खाए होंगे, ये थोड़े से स्पेशल से हैं, इसके अंदर कस्टर्ड भी फिल्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, कस्टर्ड फिल्ड फ्रेंच टोस्ट दो स्टेप्स में होंगे। पहले हम इसका कस्टर्ड रेडी करेंगे और उसके बाद हम फ्रेंच टोस्ट, मैं आपको फ्रेंच टोस्ट के बारे में बताऊँगी। कस्टर्ड आप नॉर्मल पाउडर जो कस्टर्ड मिक्स आता है वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कस्टर्ड जो है वो स्टार्ट से बनाती हूँ, अपने इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ, कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि इससे ज़्यादा कस्टर्ड क्रीमी और मज़े का बनता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें दो एग योक डलेंगी, अंडे की जर्दियाँ डलेंगी जो कि मैंने निकाल ली हैं, और 1/4 कप इसमें क्रीम डलेगा। ये मेरे पास मेजरिंग कप है और ये 1/4 कप है, ये मैंने क्रीम का फिल करके रखा हुआ है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डलेगा, वनीला एक्सट्रैक्ट डलेगा 1/4 टीस्पून, 1 कप मिल्क डलेगा और 1/2 कप कास्टर्ड शुगर डलेगा। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है, जैसे आज मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं थी, कास्टर्ड शुगर नहीं थी, तो फिर मैं नॉर्मल शुगर को ग्राइंड कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 1 कप मिल्क और 1/4 कप फुल क्रीम लिया है, उसको मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि थोड़ा सा बॉयल आ जाए। तब तक मैं ये चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। दो हम एग योक लेंगे एक बोल में, इसके अलावा 1/2 कप शुगर लेंगे, इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। ये पाउडर शुगर है, अगर आपके पास नॉर्मल शुगर हो तो आप उसको ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1, 2, और इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1/4 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कांटे की मदद से। एक दफ़ा ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें जो क्रीम और दूध गर्म किया है, गर्म हो रहा है, वो मैं इसमें डालूंगी और उसके बाद हम इसको पैन में डाल के फिर से पकाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यही कस्टर्ड जिस तरीके से मैं बना रही हूँ पैसे बनाएं, अगर आपको ये नहीं बनाना है आप नॉर्मल पाउडर कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं जो पानी जो दूध में मिक्स करके बनाया जाता है। मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद आता है इस तरीके से, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे शुगर, कॉर्नफ्लावर और वनीला एसेंस और 2 एग योक ली थी, 2 अंडे की जर्दियाँ ली थी, वो मिक्स हो गया। अच्छा, दूध गर्म हो गया, दूध और क्रीम गर्म हो गई है और ये मिक्सचर भी हमने अच्छी तरह से एक जान कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। इस तरीके से आराम आराम से हम मिक्स करेंगे। एक दफ़ा ये सारा मिक्सचर इसमें आ जाएगा तो फिर से मैं इसको पैन में डाल के पकाऊंगी, तब तक जब तक ये कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता और थिक नहीं हो जाता। फिर से मैं थोड़ा सा मिल्क डाल रही हूँ इसमें, मिल्क और क्रीम का जो मिक्सचर है। अच्छी तरीके से सारे कॉर्नर से हम इसे हटा देंगे और फिर पकाया सारा का सारा मिल्क और क्रीम का मिक्सचर जो गर्म किया हुआ है हमने इसमें डाल दिया। अब इस स्टेज में आपको ये कस्टर्ड कहीं से भी नहीं लग रहा, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसमें पैन में डाल के और फिर से कुक होगा तो फिर आप देखिएगा क्या कमाल होता है। ये मिक्स हो गया हमारा, अब मैं इसको वापस से पैन में डाल रही हूँ
देते हैं फिर सारे साइड से हटा के पैन में डाल दिया ये, और अब हम इसे कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ, मैं इसमें कंटिन्यूसली विस्क करती रहूँगी, कंटिन्यूसली घुमाती रहूँगी, क्योंकि आपने ऐसे छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ इसमें कॉर्नफ्लावर भी डला हुआ है और एग जॉक भी हैं तो वो लम्स बन सकते हैं, स्मूथ कस्टर्ड नहीं बनेगा। इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और ये मीडियम फ्लेम पे, हाई पे नहीं करना है, अदरवाइज़ बहुत क्विकली लम्स बन जाएंगे और वो आपसे हैंडल नहीं होंगे। मैं इसको 2-3 मिनट से पका रही हूँ और अब आप देख रहे होंगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो रही है। अब मैं इसको बोल में निकाल रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम अपने फ्रेंच टोस्ट की तरफ चलते हैं। मज़ेदार सा क्रीमी सा कस्टर्ड रेडी हो गया है। कस्टर्ड ठंडा हो रहा है और अब मैं फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी की तरफ आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए होगा। 3 अंडे डालेंगे इसमें और 1 टेबलस्पून मिल्क डालेगा और 5 टेबलस्पून इसमें पाउडर शुगर डलेगी। अगर आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, मुझे पाउडर ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है। और वनीला एसेंस डलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें ब्रेड डलने वाली है, जी हाँ, इस टाइप की ये ब्रेड है, ब्रियोश। बाहर तो ये मिल जाती है भाई, जो बाहर लोग रहते हैं बाहर के मुल्कों में, और अगर आपको पाकिस्तान या किसी और कंट्री में यूज़ करनी हो तो सॉफ्ट सी बटर ब्रेड या कोई सॉफ्ट सी इस टाइप की ब्रेड लीजिएगा। मैं इसको बताऊंगी किस तरीके से कटेगा। नॉर्मल ब्रेड 2 स्लाइस के बीच में भी कस्टर्ड आप डाल के कॉर्नर्स को सील करके वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग क्रैक कर लेंगे अपने, अंडे तोड़ेंगे जिस तरह नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट के लिए हम मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा, मैं नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट में भी इसी तरीके से पाउडर शुगर डालती हूँ और थोड़ा सा दूध डालती हूँ, वनीला एसेंस भी थोड़ा सा डालती हूँ उसमें, थोड़ा सा वनीला एसेंस डलेगा इसमें 1/4 टीस्पून, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। चीनी डलेगी, पाउडर शुगर डलेगी इसमें 5 टेबलस्पून, 1, 2, 3 और ये 4 और 5। ठीक है, अब इसमें दूध डलेगा 1 टेबलस्पून और इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है, फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब ब्रेड को काटने की बारी आती है कि किस तरीके से काटेंगे। अच्छा, पतले पतले नहीं काटेंगे हम, थोड़े मोटे काटेंगे, 2 इंच जितने। इस तरीके से आप मोटा सा ब्रेड का स्लाइस कट करेंगे और इसी तरह से मैं सारी ब्रेड को कट कर रही हूँ क्योंकि इसके बीच में कस्टर्ड फिल्ड होगा। अगर पतला काटेंगे तो कस्टर्ड जो है उसके लिए हम उसकी फिलिंग कहाँ करेंगे और वो सारा जब फ्राई होगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये कट गया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें होल किस तरीके से करना है। नीचे से कर लें बारीक छुरी के टॉप से और इसमें हम पॉकेट की तरह बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे ये हमारा पॉकेट सा बन जाएगा। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है सही तरीके से, ये हमारा पॉकेट बन जाएगा और इसमें फिर मैं कस्टर्ड को फिल करूँगी और हल्का सा यहाँ से प्रेस कर दूँगी। फिर ये डिप होगा अंडे शुगर और वनीला एक्स्ट्रैक्ट और 1 चम्मच मिल्क जो जो फ्रेंच टोस्ट का नॉर्मल मिक्सचर है, और फिर हम फ्राई करेंगे। अब इसी तरह से मैं पकाए सब में कर लेती हूँ। अब ये देख रहे होंगे बड़ी सॉफ्ट सी ब्रेड है,
मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। पॉकेट बनाएंगे हम इस तरीके से, सेंटर में करेंगे, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि पूरा फिल नहीं करना है, सेंटर में थोड़ा सा पॉकेट बना के फिल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो मैं इस साइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये हमारे पॉकेट्स बन गए हैं इनके, ये यहाँ पे साइड पे कर रहे हैं तरीके से, इसमें पॉकेट बनाया जाएगा तरीके से। और ये पॉकेट्स हमने बना दिए हैं, ये लास्ट में बन गया। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेंटर में छुरी लगा के और ये थोड़ा सा इस तरीके का पॉकेट बनाएंगे, इसमें मैं कस्टर्ड फिल कर। ठीक है, तो ये रेडी हो गया, अब हम कस्टर्ड फिल कर रहे हैं। कस्टर्ड मेरा थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया है और अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डालूंगी। अच्छा, पाइपिंग बैग का तरीका आसान सा क्या, एक टॉल लंबा सा ग्लास लें, उसमें आप ये पाइपिंग बैग डालें, उस सेंटर तक उसको नीचे तक लें। अगर आपके पास पाइपिंग बैग और फिर स्पून से इस तरीके से ओपन कर लें, पाइपिंग बैग नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आप देखें कितनी थिक हो गई है, इतना ही चाहिए हमें। अब ये ठंडा होगा तो मज़ीद थिक होगा। ये मैं इसमें पोर कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसको गैस में डाल देंगे, अच्छे से ऊपर से ऐसे टाइट करेंगे जैसे आइसिंग बैग को हम करते हैं। और अब मैं इसकी यहाँ से टिप थोड़ी सी कट करूँगी, ये मैं इसकी टिप काट रही हूँ। ठीक है जी, अब हम इसको फिल करेंगे अपने ब्रेड में जो हमने पॉकेट्स बना के रखे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, इसे पॉकेट जो हमने बनाया उसको ऐसे पकड़ेंगे आप और दूसरे हाथ से ये इसमें हम फिलिंग कर रहे हैं इस तरीके से, ये फिल हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, इसको मैं फिल कर रही हूँ इस तरीके से, मेरा दूसरा भी कस्टर्ड से फिल हो गया। और इसी तरह से मैं बारी बारी सारे फिल करूँगी। ब्रेड में मैंने कस्टर्ड फिल कर लिया है, अब चूल्हा ऑन करते हैं और पैन में मैं ऑयल डालूँगी नॉर्मल जितना, 1 से 2 टेबलस्पून जितना फ्राइंग के लिए, फ्रेंच टोस्ट या ऑमलेट फ्राई करने के लिए जितना हम डालते हैं। और ये हमारा फ्रेंच टोस्ट का एग का मिक्सचर रेडी है, ये तब आप फिर से इसको करेंगे मिक्स। अब इसमें मैं डिप कर करके फ्राई करती जाऊंगी अच्छे तरीके से कोट करके चारों तरफ से, और हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी, मैं टर्न कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ब्रेड हमने बहुत मोटी सी दी हुई है, तो अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे।
मज़े के हमारे यमी से फ्रेंच टोस्ट हो रहे हैं ट्राई। ये बैच में रेडी होने वाले हैं, उसके बाद ये देखना है मैं हल्का हल्का इसमें प्रेस कर रही हूँ, लेकिन किसी भी साइड से ये कस्टर्ड नहीं इसका लीक हो रहा, बहुत ज़ोर से नहीं प्रेस करना है क्योंकि हमने इसमें पॉकेट बना के कस्टर्ड फिल किया हुआ था। फिर हम इसे टर्न करेंगे और चेक करेंगे। वैसे आपने देखा कि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं यूज कर रही, इतना काफ़ी, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट में जितना ज़्यादा ऑयल डालेंगे उतना ही ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारे रेडी हो गए, इनको मैं कर रही हूँ डिश आउट और फिर से मैं ये ऑयल डाल रही हूँ इसमें, एक 2 टेबलस्पून जितना, और सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। अंडे में डिप करके, अंडे के मिक्सचर में डिप करके और फ्राई करते जाएंगे, उसके बाद फिर आप इसे किसी फ्रूट के साथ सर्व करें, मेपल सिरप के साथ सर्व करें, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपकी मर्ज़ी। इसे कोट करके और इसको मैं फ्राई करूँगा, इसको भी पहले बैच की तरह फ्राई करेंगे। मैं इसे टर्न करेंगे, उसको दूसरी साइड से भी हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसे टर्न करें, और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, तो ये भी हमारे रेडी हो गए। अब बाकी के जो 3 बचे हैं उनको भी मैं जल्दी से फ्राई कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये मज़ेदार किस्म के कस्टर्ड फिल्ड फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं, और अब मैं आपको इसको डिश आउट करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से होंगे। मैं इसको सेट करती जाऊँगी, तरीके से और कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ आ जाएंगे। और इसके बाद जो मेरे पास पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर, ये थोड़ी सी मैं एक छन्नी लेके इसके साथ पर डस्ट करूँगी इस तरीके से, तो जैसे रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है उसी तरह से ये लुक आ जाएगा इसका। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, ये मैं बकाया स्ट्रॉबेरीज भी यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ। जी, तो हमारे मज़ेदार से कस्टर्ड फिल्ड फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। मज़ेदार से कस्टर्ड फिल्ड फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। तो अब मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ इनको ट्राई करती हूँ, और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए। कल संडे के दिन ही बना के नाश्ते में खाइए और मज़े लीजिए, और अगली बार मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।